अगर मैं बात करूं हर घर नल जल जीवन मिशन, इसमें लगभग 9 करोड़ घरों को और उसमें से 43 लाख कनेक्शन आपके यहां उड़ीसा में लगे हैं, 43 लाख कनेक्शन। और मोदी जी का संकल्प है हर घर जल, हर घर नल, पीने का पानी हर घर पहुंचाया जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते कि पीने का पानी घर पे पहुंचे? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मैं पहाड़ से आया हूं, मैं अभी धर्मेंद्र भाई और समीर मोहंती को बोल रहा था, ये पहाड़ी इलाका है, हमारी बहनों को दूर दूर से जाकर के पानी लाना होता होगा। मैं जानता हूं, पहाड़ में रहा हूं, एक एक किलोमीटर दो दो किलोमीटर चलना पड़ता है। लेकिन हर घर जल मोदी जी का संकल्प अब कंधमाल में भी एक परिवर्तन लाएगा और महिलाओं को ताकत देगा, इस बात को हमको समझना होगा। उसी तरीके से अगर हम देखें तो विकास के दृष्टि से हमारा स्वच्छता अभियान, हमारा इज्जत घर, हमारा शौचालय, आपको जानकर आश्चर्य होगा इस देश में जब मोदी जी ने लाल किले से स्वच्छता की बात कही, इज्जत घर की बात कही, शौचालय की बात कही, तो यही हमारे कांग्रेसी भाई और बीजू जनता दल के लोग बोलने लगे कि प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात लाल किले से करता है, कैसा प्रधानमंत्री है। उनको कल्पना नहीं थी कि इस देश में 12 करोड़ परिवार ऐसे थे जो अपने दैनिक जीवन की सुविधा के लिए खेतों में जाया करते थे, उनको घर में शौचालय नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ शौचालय बनाकर 12 करोड़ बहनों को इज्जत प्रदान किया और उनको इज्जत से जीने का अधिकार दिया, उनको जीवन इज्जत से जीने का अधिकार दिया। और जहां 12 करोड़ महिलाएं होंगी वहां 12 करोड़ बच्चे भी होंगे, उनको भी इज्जत से जीने का अधिकार दिया। इसलिए विकास के दृष्टि से देखा जाए तो महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, अब किसान की मैं बात करना चाहता हूं। बताइए, हर चौथे महीने 11 करोड़ की जनता को 2-2 हजार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2-2 हजार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और इसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, सीधा मोदी जी का बटन दबता है, वो बटन दबाते हैं और 15 मिनट के अंदर 2000 रुपए आपके खाते में 11 करोड़ किसानों के हाथों में आ जाता है। यह परिवर्तन आकर के खड़ा हुआ है। सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सारी योजनाएं किसानों को ताकत दे रही हैं। हमारे युवा भाई हैं यहां बड़ी संख्या में, मैं उनको कहना चाहूंगा, ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने संकल्प लिया है रोजगार मेले के माध्यम से 10 लाख सरकारी नौकरी सामने सामने सर्टिफिकेट के साथ लोगों को दिया जाएगा और केंद्र सरकार की नौकरी 10 लाख दी जाएगी। हम रोजगार के दृष्टि से भी काम कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति के माध्यम से काम कर रहे हैं। अब मेडिकल की पढ़ाई भी भारतीय भाषा में होगी, अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी भारतीय भाषा में होगी। हमारे शिक्षा मंत्री बैठे हैं धर्मेंद्र भाई, आपके उड़ीसा के हमारे वरिष्ठ नेता, इन्होंने जो शिक्षा नीति बनाई है उसमें अंग्रेजी में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, अब आपकी भाषा में आप मेडिकल करेंगे और आप उसमें इंजीनियरिंग करेंगे, और ताकि गरीब व्यक्ति आ सकें।